हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप फिटर हैं, टेक्नीशियन हैं, या फिर कोई भी मैकेनिकल फील्ड से है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, अगर आप किसी मशीन में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको नट बोल्ट या फिर फास्टनर खोलने के लिए जो भी स्पैनर का यूज होता है, तो आपको पता नहीं होता कि कौन से स्पैनर में, कौन से बोल्ट में कौन से स्पैनर लगेगा, तो आज ये वीडियो उसके रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ट्रिक की बारे में जानेंगे कि हम लोग किस नंबर के नट बोल्ट को किस नंबर के चाबी पाना से खोल सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपके पास स्पैनर है, हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे 2-3 हो गया, 4-2-3 का हो गया स्पैनर, 4-5 का हो गया, 6-7 का हो गया, 8-9 का हो गया, 14-15 का हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों कोई आपसे पूछता है कि 15-16 का मुझे स्पैनर लेके आओ, तो दोस्तों 15-16 का स्पैनर होता नहीं है, क्योंकि हमेशा जो स्पैनर होता है वो पहला होता है इवन ऑड इस नंबर का होता है। ठीक है, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी हम M14 तक के बोल्ट की, M14 जो साइज होता है उसके बोल्ट के बारे में देखे जाएंगे। ठीक है, सपोज करो आपके पास 8 mm का थ्रेड का बोल्ट है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्पैनर लगेगा? तो जो हमारा 8 का होता है, ठीक है, जो 8 mm का होता है उसको हम आधा करेंगे, 8 mm का आधा हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो 8 × 4 = 1 क्या हो गया, 13, तो 13 नंबर का हमारा स्पैनर यूज होगा वहां पे। अगर 6 है तो 6 × 3 = 9, 10 नंबर का स्पैनर यूज होगा। अगर हमारा जो हमारा साइज होता है, अगर M14 के ऊपर का अगर बात करें, तो वहां पे हम लोग को +1 ऐड नहीं करना है। सपोज करिए आपको M16 का बोल्ट के लिए आपको कौन सा स्पैनर यूज करना है। ठीक है, M16 का 16 + 8 क्या हो गया, 24, तो 24 का स्पैनर यूज करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।